हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करूंगी, जिसका नाम है द हॉबिट। मैं आप सबको इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी और एक एक चीज़ मैं आप सबको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, इस मूवी के तीन पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स 3 घंटे के हैं। फर्स्ट पार्ट है द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी, जो कि 2012 में आया था। सेकंड पार्ट है द हॉबिट डिसोल्यूशन ऑफ स्मॉग, जो कि 2013 में आया था। और थर्ड पार्ट है द हॉबिट द बैटल ऑफ द 5 आर्मीज, जो कि 2014 में आया था। और इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर ये मूवी कंप्लीट होती है। तो आप सबको मैं बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आप सबको ये मूवी समझ में आ जाएगी। तो पहले इस मूवी के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। इसमें मेन कैरेक्टर हॉबिट ही है, क्योंकि इस मूवी में उसकी कहानी बताई है। हॉबिट एक इमेजिनरी क्रिएचर है, जिसके बारे में J.R.R. टॉल्किन ने अपनी फैंटेसी नॉवल में लिखा है। वो इंसानों से कद में थोड़े छोटे बताए गए हैं। अगले कैरेक्टर्स हैं ड्वार्फ्स, वो भी इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि हॉबिट अपनी स्टोरी में उनकी हेल्प करता है। ड्वार्फ का मतलब होता है बौने। अगले कैरेक्टर्स हैं एल्फ्स। इस मूवी में एल्फ को एक फेरी के रूप में लिया गया है, क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं और उनके रहने की जगह हेवन जैसी है, और वो सब लड़ने में बहुत अच्छे हैं। अगले कैरेक्टर्स हैं गोबलिन्स। गोबलिन्स भी एक फैंटेसी का ही हिस्सा हैं, जो बहुत अगली और मॉन्स्टर की तरह होते हैं। अगले कैरेक्टर्स हैं ट्रोल्स। ट्रोल्स भी इमेजिनरी क्रिएचर हैं, या तो बहुत लंबे होते हैं या बहुत छोटे, और उनके पास मैजिकल पावर्स भी हो सकती हैं, और वो पहाड़ों पर या गुफाओं में रहते हैं। अगले कैरेक्टर्स हैं ऑक्स। ऑक्स भी इमेजिनरी क्रिएचर हैं, और ये भी गोब्लिन जैसे ही हैं, दिखने में बहुत अगली और मॉन्स्टर जैसे। अगले कैरेक्टर्स 5 विजार्ड्स हैं, यानी कि जादूगर। इसमें 5 विजार्ड्स हैं। पहले गैंडाल्फ द ग्रे, दूसरा सारुमान द वाइट, तीसरा रेडेगास्ट द ब्राउन, चौथा आलाटर, पांचवा पोलांडो। और इस मूवी में एक ड्रैगन भी है, जिसका नाम स्मॉग है, और एक दुश्मन भी है जो ऑक्स की सेना को तैयार कर रहा है मध्य धरती को अपना बनाने के लिए। वो भी एक जादूगर है और उसका नाम है द डार्क लॉर्ड साउरोन। अब मैं आपको इस मूवी की कहानी बताती हूँ। ये मूवी एक नॉवल पर बनी है, जिसको J.R.R. टॉल्किन ने लिखा था। इस मूवी में मध्य धरती, जो लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी की कहानी से 60 साल पुरानी है, उसके बारे में बताया गया है। लॉर्ड ऑफ द रिंग इस मूवी का दूसरा पार्ट है। तो इस मूवी को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आप सबको वो मूवी भी समझा दूंगी, जिससे आपको वो भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, और ये भी। अब इस मूवी में एक हॉबिट है, जो एक जादूगर गैंडाल्फ द ग्रे और 13 बोनों के साथ एकांत पर्वत यानी लोनली माउंटेन पर बोनों के राजा थोरिन ओकेनशील्ड को ड्रैगन स्मोक से उनका राज्य वापस दिलाने के लिए उनके साथ जाता है। और इस सफर में वो एल्फ्स, गोब्लिन्स, ओक्स और बहुत सारे अलग अलग प्राणियों से मिलते। कहानी शुरू होती है एक हॉबिट से, जिसका नाम है बिल्बो बैगिंस, जो अपनी कहानी एक बुक में अपने पोते के लिए लिखता है, जिससे उसके पोते को उसके गाँव के बाहर की दुनिया का पता चल सके। वो मध्य धरती के बीच में बसे साम्राज्य एराबोर के बारे में बताता है, जो डेल शहर के पास बोनों का सबसे बड़ा साम्राज्य था। और वो साम्राज्य एकांत पर्वत के अंदर बसा था। जिसमें वो बोने पर्वत में से सोना और हीरे जवाहरात निकालते थे। और तब उन्हें वहां एक ऐसा पत्थर मिला, जिसे एराबोर के राजा थ्रोर ने पर्वत का दिल और राजा का गहना बताया, और उसने उस पत्थर को आर्किनस्टोन का नाम दिया। उसने उस पत्थर को राजा की निशानी बताया, और अपने लालच की वजह से उसने अपने दोस्त एल्विश किंग थर्निल को उसके हीरे देने से मना कर दिया।
और फिर सोने के लिए थ्रोर का लालच इतना बढ़ गया कि वो उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। और उसके इस लालच ने ड्रैगन को उसके साम्राज्य की तरफ आकर्षित किया। जब ड्रैगन उस सोने को लूटने आया तो उसने डेल शहर को बर्बाद कर दिया और एरब और बोनो से छीन लिया। और थ्रोर बोनो का राजा तब भी आर्कनस्टोन को लेकर भागना चाहता था, पर उसका वो पत्थर ड्रैगन के खजाने में गिर गया और थोरिन उसका पोता उसे वहां से लेकर चला गया। और उसी समय एल्विश किंग अपने हीरो के लिए उनसे जंग करने आया था, पर जब उसने उनके साम्राज्य की हालत देखी और जब थोरिन ने उससे मदद मांगी तब उसने उनकी मदद नहीं की और वो वहां से चला गया, क्योंकि वो ड्रैगन से लड़ना और अपने लोगों की जान खतरे में डालना नहीं चाहता था। फिर थोरिन अपने शहर के लोगों को लेकर दूसरे शहरों में काम करने जाने लगा, पर वो कभी उस ड्रैगन और उसके साम्राज्य को भुला नहीं पाया। फिर बिल्बो अपने बचपन के बारे में बताता है, जिसमें वो बताता है कि वो दुनिया के एक अलग हिस्से में रहता था जहाँ किसी को ड्रैगन के बारे में पता भी नहीं था, पर उसे बाहर की दुनिया में ज्यादा दिलचस्पी थी। और जब वहाँ एक जादूगर आतिशबाजी करने आता था तब वो उसे मिट्टी में से कुछ पुरानी चीजों के टुकड़े निकाल कर देता था। और फिर हम देखते हैं कि उसकी कहानी की शुरुआत 60 साल पहले हुई, जब एक जादूगर जिसका नाम गेंडाल्फ था उसके घर के सामने आता है और उसे बताता है कि वो जादूगर है जो छुट्टियों में उनके गांव में आतिशबाजी करता था। और फिर वो उससे उसके साथ एक सफर पर चलने को कहता है जो उसके गांव से बाहर की दुनिया का है, पर बिल्बो उसे मना कर देता है और वो कहता है कि वो अपनी आराम की जिंदगी को छोड़कर उसके साथ किसी सफर पर नहीं जाएगा। तब गैंडाल्फ उसके दरवाजे पर अपनी छड़ी से एक निशान बनाता है और वहां से चला जाता है। फिर जब रात को वो डिनर कर रहा था तब उसके घर 12 बौने आते हैं और सबसे आखिर में गैंडाल्फ आता है। और वो उसके किचन में से सारा खाना निकाल लेते हैं और वो सब सारा खाना खा लेते हैं और उसका घर बिल्कुल गंदा कर देते हैं। फिर वो उसका घर साफ करते हैं और फिर सबसे आखिरी में उन बोनों का राजा थोरिन ओकनशील्ड वहां आता है और गैंडाल्फ बिल्बो को उनके सफर के बारे में बताता है। वो उसे भविष्यवाणी के बारे में बताता है जिसमें बताया है कि जब पक्षी अरबोर में लौट जाएंगे तब ड्रैगन का राज्य खत्म हो जाएगा। और उन्हें एक चोर की जरूरत थी जो ड्रैगन के सोने में से वो आर्कनस्टोन चुरा सके, और इसलिए गैंडाल्फ ने बिल्बो को चुना है। और वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं जिसमें लिखा था कि अगर वो सफर के दौरान मारा गया या फिर वो घायल हो गया तो उसमें उन बोनों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से उनके साथ आया है। और अगर वो ड्रैगन को हरा देते हैं तो उनके खजाने का एक हिस्सा बिल्बो को मिलेगा। और बिल्बो इस सफर के लिए मना कर देता है। और जब वो सुबह उठता है तब वो सारे बोने और गैंडाल्फ वहां से चले गए थे, पर उनका कॉन्ट्रैक्ट वो वहीं छोड़ कर गए थे। तब बिल्बो उनके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है और उनके पीछे जंगलों में जाता है और उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट देता है और फिर उसके सफर की शुरुआत होती है। इस वीडियो में इतना ही गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो और अगली वीडियो के लिए भी तैयार रहो। अन्योन्या एवरीवन।